नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्या। एक क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर अगर वापस पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या पेपर डिफिकल्ट आ सकता है क्या। सी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट इट्स अ सीए एग्जामिनेशन, ठीक है। सीए फाइनल के एग्जामिनेशन में अगर आप डिफिकल्ट पेपर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो देन यू आर रॉन्ग। सो आएंगे दो तीन पेपर डिफिकल्ट आएंगे, ये बार एसएफएम ऑडिट बैक टू बैक पेपर्स डिफिकल्ट आ गए इसलिए थोड़ा हाइप क्रिएट हो गया, बट दैट्स हाउ एवरी अटेम्प्ट इज। तो शायद मैंने भी जब अटेम्प्ट दिया था मेरे टाइम पे भी दो से तीन पेपर वर वेरी डिफिकल्ट एंड यू हैव टू सेल थ्रू दिस जर्नी। नाउ क्या एसएफएम का पेपर रियली डिफिकल्ट था मई 23 का, मैंने इसको शांति से एनालाइज किया एंड हियर इज माय टेक। वेल द आंसर इज यस, इट वॉज डिफिकल्ट, कोई उसमें डाउट नहीं है। हियर इज द पेपर एंड यस इट वॉज डिफिकल्ट, मतलब देर वर क्वेश्चंस विच वर वेरी मच न्यू। वाई न्यू? बिकॉज अब अपनी आदत हो गई है खाली रिलाय करेंगे अपन मॉड्यूल पास पेपर एमटीपी आरटीपी पे, गलत नहीं है बट कहीं ना कहीं वो अपने को लगता है बस सेम टू सेम क्वेश्चन ही आना चाहिए। So, थोड़ा उसमें ट्रिक अगर आ जाए देन कहीं ना कहीं अपन उसको डिफिकल्ट मानना चालू कर देते हैं, फेयर इनफ। सो वॉज दिस पेपर डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू दैट जजमेंट? 101%, यस दैट पेपर वॉज डिफिकल्ट बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस न्यू थे, कॉन्सेप्चुअली गुड बट मैनेजेबल। फ्यू क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल डेफिनेटली नॉट मैनेजेबल, मैंने वो पेपर लिखा है शायद आप लोग के साथ शेयर करता हूं मैं कुछ दिनों में। And I was also stuck in 2-3 places जहां पे मुझे as a student मैं अगर सोचू तो वो time पे थोड़ा panic हो जाऊं। तो अगर मैं ऐसा panic हो जाऊं तो क्या मुझे चीजें ध्यान में रखनी है so that I don't fail in that examination। ये मेरा एक analysis था कि ये जो questions थे ना, so 6, 4, 8, 4, 4, 4, so अगर आप इसका total करते हो then this works out to 54 marks as it is from your ICAI module। ICAI module मतलब past papers, वो भी नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बोल रहा हूं सीधा ICAI module से ही आपके ये questions आए हुए थे। But the catch about these questions is इसमें से ये जो questions मैं mark कर रहा हूं these were theory questions। So इसका मतलब practical question में institute ने yes they have asked some good level questions, और जो ये सोच के गया कि थियोरी है छोड़ना वो तो खुद से लिख लेंगे मैनेज कर लेंगे, दोज वर द पीपल हु हैड अ टफ टाइम इन दिस पेपर। सो अगर आप देखोगे यहां पे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस ऑल थियोरी क्वेश्चंस ऑल फ्रॉम मॉड्यूल ऑल वेरी इजी, बट अगर आपने वो थियोरी नहीं किया है देन इन दैट केस आपके लिए ये पेपर बन जाता है वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट अगर आप थियोरी ढंग से करके गए हो तो ऑलमोस्ट 25-30 मार्क्स का थियोरी है बराबर से ये अटेम्प्ट करके आओगे ना, सो इधर ही आपका एक 20 मार्क्स का कवरेज यहां पे हो जाएगा। बाकी भी 6 मार्क्स 8 मार्क्स, ये 8 मार्क म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन एज इट इज फ्रॉम मॉड्यूल, सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस वर वेरी मच मैनेजेबल। सो गाइस 54 में से डेफिनेटली 40 आपको यहां पे मिल जाएगा, बाकी के पेपर में जो 60 मार्क्स का पेपर है अपना दैट यू कुड हैव 50 मार्क्स का जो बाकी का पेपर है दैट यू कुड हैव मैनेज थोड़ा थोड़ा करके एंड आ सकता था डिसेंट मार्क्स। सो दैट इज वेयर प्लीज डोंट इग्नोर एनी चैप्टर। तो ये मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं अगर आपका पेपर वापस से कोई डिफिकल्ट आता है। वैसे तो एसएफएम ये बार एक्सपेक्टेड ही था मई 23 में डिफिकल्ट आएगा, मैंने मेरे रिवीजन वीडियोस में भी बोला था, क्योंकि काफी 3-4 अटेम्प्ट अगर आप नोट करोगे ना सो द पेपर्स वर क्वाइट इजी। सो ड्यू था इसका एंड मई 23 इज द अटेम्प्ट जिसमें लॉटरी निकला एसएफएम का। Every tough paper will give you your 40 plus. Find out your comfortable 40 plus. Yes, paper में भी आपको 40 plus देगा comfortably वो. आपको you have to be then smart enough. उतना preparation आपका level होना चाहिए कि आप उसको calculate, आप उसको manage कर सको. Important chapters, important to study all the chapters. Please ये habit बना लो, because institute has now become very smart in this thing. अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर में से वो इजी क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर किया ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इजी क्या डिफिकल्ट। सो प्लीज फॉलो दैट ट्रिक एज वेल। गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू थ्योरी इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। जैसे एसएफएम है हार्डकोर प्रैक्टिकल है बट हर अटेम्प्ट में 25 मार्क का थ्योरी आना ही आना है उसमें, और उसको अपन सिर्फ लास्ट डे पे अगर रिवाइज करके जाएंगे नॉट एक्सेप्टेबल। उसका
भी आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट एक बार करना पड़ेगा सो दैट वी आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस एज वेल. इवन इफ द पेपर इज इजी, थ्योरी तो करके ही जाएंगे, हर पेपर में 25 मार्क का, हर क्वेश्चन में 4-5 मार्क का आ ही रहे थ्योरी, तो उसमें भी अगर अच्छा स्कोर किया तो पेपर इजी होगा, तो SFM थ्योरी अच्छा लिखा होगा, तो मतलब अच्छा खासा यू कैन स्कोर 80 प्लस इन दिस सब्जेक्ट. बाकी आपका पूरा सेट ऑफ के लिए मैनेज हो जाएगा. ट्राई टू गिव वन डिफिकल्ट आउट ऑफ बॉक्स पेपर इफ पॉसिबल प्री एंड सो दैट आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो दैट ओके मैंने तो दिया हुआ ऐसा कुछ पेपर्स एंड कैसे उसको मैनेज करना है. सर ये डिफिकल्ट पेपर कहां मिलेगा, उसके लिए आप मेरे पास सब्सक्राइब रहिए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा. मैं कुछ पेपर्स बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए, हाई लेवल वाले, इंस्टीट्यूट लेवल वाले, सो दैट वहां पे आप घबरा ना जाए, यू विल बी एबल टू मैनेज इट देयर. ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता प्लीज. सो तैयारी रखिए, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लो, ठीक है. ICI will play its game. Time for us to give it our best shot. So, भाई क्रिकेट के जैसा है, बॉलर बॉलिंग में डालेगा, यॉर्कर भी डालेगा और बाउंसर भी डालेगा, ठीक है. वी शुड नो टू प्ले बोथ ऑफ देम. यॉर्कर खेलना नहीं आया तो बोल्ड हो जाओगे, बाउंसर खेलना नहीं आया तो सर फुड़ जाएगा. उससे अच्छा नेट प्रैक्टिस में इन दोनों बॉल्स का प्रैक्टिस करेंगे तो मेन गेम में तकलीफ नहीं आएगा. See you all. Take care.